हेलो यस बेटा, गुड आफ्टरनून क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल माई यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो ओपन चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 3.45। ओके, सो वेन एवर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यूएट असेट्स एंड लायबिलिटीज, ओके, टू रिकॉर्ड देयर ट्रू एंड फेयर वैल्यूज। सो what is revaluation account? Revaluation account is an account, okay, which is prepared to record the revised value of assets and liabilities. The another name of it is profit and loss adjustment account. So as I told you in the last chapter beta, whenever in the assets are decreased, okay, they are recorded in the debit side of revaluation account, the entry will be revaluation account debit to assets account. If they are increased, then it is they are recorded in the credit side, then entry will be asset debit to revaluation account. The liabilities, in the liability case there is reverse process, okay, if liability increases they are recorded in debit side, hence revaluation account debit to liability. If liability decreases they are recorded in the credit side, okay. So liability debit to revaluation account, okay. Whenever there is profit, so that profit will be transferred to revaluation account to old partner, so revaluation debit to old partner. If loss will be there, then partner debit to now see, this is the format of revaluation account. I mean, आपको बताया था debit particular amount, okay. So see here properly, कि if the value of asset decrease, this is recorded in the debit side. ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड में, ओके। और इफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड में। आ रही बात समझ में? ठीक है, अपनी बुक्स ले लीजिए साथ में, बुक्स में देखते रहिए साथ साथ में। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहाँ जाएगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ओके, इट विल रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट डिक्रीजेज इन द क्रेडिट साइड। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो बढ़ाएगी, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड आ जाएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो भी इंक्रीज करेगा, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ओके। अगर आप रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डेबिट साइड में रहेगा, लॉस हो गया तो बाय लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। सो बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए, इसकी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। जर्नल एंट्री का एवरीबडी नो द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट बना लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा वैसे वैसे आप बनाते चले। जैसे देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। बेटा अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? आपका बढ़ना, तो ऊपर लिख लीजिए इंक्रीज। अपनी कॉपीज पे या बुक पे ऊपर हाईलाइट कर लीजिए इंक्रीज बाई 2 लाख। तो जब वैल्यू बढ़ गई है तो ये कहाँ जाएगी? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। अब स्टॉक क्या है? 20% से ज़्यादा है। तो बेटा जब 20% से ज़्यादा है तो पहले तो आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि स्टॉक कितना ज़्यादा लिखा गया है, ओके। बेटा कहीं भी अगर ओवर वैल्यूड वर्ड लगा हो, इसका मतलब है वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब डिक्रीज़ कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब डिक्रीज़ का ये है कि ये जो वैल्यू 60,000 रुपये दे रखी है, ये 20% ज़्यादा रिकॉर्डेड है। मतलब 100% की जगह ये कितने परसेंट की है? 120% की, ओके। तो 20% ज़्यादा है तो हम उसको पहले तो 100 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 20% उसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, 60,000 था बेटा, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 120 की है, तो 120 से डिवाइड कर देंगे, 100% आ जाएगा। अब 100% जितना भी आएगा आपका, ठीक है, तो उसमें जो एक्सेस 20% हमें निकालना है, 20% एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड था ना, तो 20% हमारा डिक्रीज कर दें। 12 5 60, तो 25 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 वैल्यू हमारे स्टॉक की क्या हो रही है? ओवर वैल्यूड। तो देन ओवर वैल्यूड के ऊपर लिख लीजिए पेंसिल से डिक्रीज होना, ठीक है। तो 20% कितना आया? जब भी अगर ऐसे परसेंटेज में आपके पास दे रखा हो तो अमाउंट इंटू परसेंट अपॉन 100 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड है तो उतना मतलब डिक्रीज कर दीजिए, अगर अंडर वैल्यूड है अमाउंट निकाल करके तो उतना वैल्यू बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड मीन्स डिक्रीज, अंडर वैल्यूड मीन्स इंक्रीज, ओके। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ओके। थर्ड है, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉई, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स एट 150, दे एस्टिमेटेड प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130, ठीक है। डेटर्स कितने के थे? 150 के थे, बट उसमें वो मिलना कितना है हमें? 30,000। 20,000 का हमारा असेट्स मारा गया, मतलब पैसा बैड डेट्स हो गया, डाउटफुल डेट्स आ गया, या फिर उसने क्या कहा कि वो पेमेंट हमें इतने की ही करेगा, तो 20,000 कम हो गया ना हमारा, हमें कैश नहीं मिलेगी। तो जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप लिख सकते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। अब 10,000 क्रेडिटर्स में बेटा कमीशन की वैल्यू लिखी हुई है, तो क्या है वो हमें देना पड़ेगा, कमीशन अलग से एक्सपेंस होगी, दैट इज वाई 10,000 आपका कमीशन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो असेट्स जब वैल्यू कम, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड में जाएगी, तो आप लिखेंगे बाई क्रेडिटर, दैट वाई इज वाई जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 विच वॉज प्रोविजनली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च बट नो एंट्री हैज बीन पास। ठीक है, अब क्या था आपका, एक बिल ऑफ एक्सचेंज पास हुआ है तो उसमें क्या हो गया, वो हमें बढ़ गया हमारा डेटर्स, बढ़ गया हमारा पैसा, डाउटफुल डेब्ट्स जो है बिल डिस्काउंटेड हो गया, मतलब डिस्काउंट हो गया तो डेब्टर्स को दोबारा से देना पड़ेगा, तो हमारे डेटर्स बढ़ गए ना, जब सॉरी कम हो गए हमारे डेटर्स उतने के, तो हमारे डेटर्स जब कम हो गए, ओके तो एंट्री क्या करेंगे हम, सन्डे डेटर्स डेबिट, बैंक तो हमारे पास चली जाएगी ना टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश पेमेंट आप कर दोगे उतना फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी, इसका रिवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाई 120, बुक वैल्यू 2 लाख है, ठीक है, डिक्रीज टू 120 है बेटा, 2 लाख की है, 120 पे आ गई, 80,000 रुपये कम हो गई ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 80,000। अगर टू या एट दे रखा है तो आप डिफरेंस निकालेंगे, बाई दे रखा है तो पूरा पूरा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज बाई, अब ये देखिए यहाँ बाई लग गया ना, तो बाई का मतलब ये पूरी पूरी 120 से कम हो रही है, अब हमें बाई डिफरेंस नहीं निकालना, डिफरेंस आपको तब निकालना है जब टू या एट दे रखा होगा। ओके, दैट इज द हेयर इंटरवल पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 120। ओके, एक्सपेंस ऑन रिवोल्यूशन अमाउंटेड टू 8,000 हैव बीन पेड बाय द पार्टनर एक्स। तो बेटा एक्स पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, हमें कंपनी को तो एक्स को देना पड़ेगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गई है जर्नल एंट्री, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, इन द होमवर्क यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 60। ओके, 60 तक आपको सभी लगाने हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके,